I've been on my grind. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी दो कारों का कंपेयर लाया हूं जो अपने आप में पॉपुलर कार हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहली कार है वैगनर आर VXI ऑप्शनल, वहीं दूसरी ओर इसके कंपेयर में है नेक्सा इग्निस सिग्मा। दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की प्राइसिंग की। वैगनर आर VXI की प्राइसिंग है 484,000 रुपये दिल्ली एक्स शोरूम, वहीं इग्निस सिग्मा की प्राइसिंग है 456,000 रुपये दिल्ली एक्स शोरूम। देखिए दोस्तों, प्राइसिंग रेंज में दोनों कारों में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इतना डिफरेंस कार की एक्सेसरीज कवर कर लेती है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप कार खरीदने जाओगे, आपको कार के साथ जो एक्सेसरीज प्रोवाइड की जाती हैं उसकी प्राइसिंग और बाहर से मिलने वाली एक्सेसरीज की प्राइसिंग में कितना डिफरेंस होता है वो आप खुद समझ जाओगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स की। सभी कंपनियों ने अपनी कार में सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं, उसके बावजूद भी कुछ कारों में अभी भी सेफ्टी फीचर्स की कमी है। इन दोनों कारों में ड्यूल एयरबैग और दोनों ही कारों में ABS दिया गया है, लेकिन दोस्तों वैगनर आर VXI में EBD का ऑप्शन नहीं है। EBD एक ऐसा फीचर्स है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ये फीचर्स आपको बहुत काम आता है, लेकिन वैगनर आर में ये मिसिंग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट में वैगनर ने बाजी मारी है। दोस्तों, इसमें आपकी रियर और फ्रंट दोनों विंडो पावर दी गई हैं, लेकिन वहीं नेक्सा इग्निस में सिर्फ फ्रंट विंडो पावर विंडो है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ आप EBD कम करके पावर विंडो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कंपनी ने अपने एक मॉडल में ज़्यादा पैसा कमाया है, वहीं दूसरी ओर कंपनी अपने दूसरे मॉडल में अधिक पैसा कमाया है। दोस्तों, EBD टेक्नोलॉजी कार के रियर पैनल में पावर विंडो देने से बहुत ज़्यादा महंगी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो सबसे हाईलाइट है वो है कार का इंजन। वैगनर VXI में 1000cc का K10 इंजन लगा हुआ है, जिसकी पावर 67 bhp की है और इसकी टॉर्क शक्ति 90 Nm है। वहीं दूसरी ओर इग्निस सिग्मा में 1200cc का K12 इंजन लगा हुआ है, जो 83 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। दोस्तों, आपको अंतर यही समझ में आ गया होगा कि उस गाड़ी में क्यों ज़्यादा फीचर्स दिए गए एक्स्ट्रा हैं और इग्निस सिग्मा में क्यों फीचर्स कम दिए गए हैं, जबकि दोनों की प्राइसिंग लगभग समान है। कंपनी ने VXI मॉडल में फॉग लैंप और म्यूजिक सिस्टम जैसी छोटी छोटी चीज़ें बढ़ाकर कार की परफॉर्मेंस को कम किया है, वहीं दूसरी ओर इग्निस मॉडल में ये चीज़ें ना देकर उसकी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वैगनर VXI में क्या क्या आपको मिलता है? दोस्तों, पहला है फॉग लैंप, ये इग्निस सिग्मा में नहीं मिलता। दोस्तों, दूसरी चीज़ है वो है डबल रिंग म्यूजिक सिस्टम, ये भी आपको इग्निस सिग्मा के मॉडल में नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट है दोस्तों LIV, ये भी आपको इग्निस सिग्मा के मॉडल में नहीं मिलती। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है सेंटर लॉकिंग विद रिमोट। सेंटर लॉकिंग आपको इग्निस सिग्मा मॉडल में मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन वो आपको मैनुअली लॉक करना पड़ेगा, आपको की को कार में लगाना पड़ेगा, आपको अलग से रिमोट नहीं दिया जाएगा। वहीं वैगनर VXI में डिफॉगर दिया गया है, लेकिन सिग्मा मॉडल में ये चीज़ नहीं दी है। दोस्तों, दोनों ही कारों में सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है, लेकिन वैगनर आर VXI का वेट 890 kg है और वहीं इग्निस का वेट 825 kg है। यहाँ इग्निस को फायदा मिला उसकी परफॉर्मेंस में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आपकी दोनों कारों में 5 पैसेंजर बैठे हैं, दोनों ही कारें सेम रूट पर हैं, सेम सड़क पर हैं, सेम कंडीशन में चल रही हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में इग्निस सिग्मा का एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों ही आपकी वैगनर VXI से ज़्यादा होगी। कंक्लूजन ये है दोस्तों, अगर आपको फीचर्स वाली कार चाहिए, आपको कम पैसे में अच्छी फीचर्स चाहिए, आप अगर सेफ्टी पे ध्यान नहीं देना चाहते, आप गाड़ी की परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना चाहते, तो आप वैगनर आर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको रोड पे चलने वाली लॉन्ग टर्म गाड़ी चाहिए, तो आप इग्निस को पहले लें। दोस्तों, इग्निस के सिग्मा मॉडल में बहुत कुछ ऐसा दिया है जो अन्य किसी गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं दिया गया। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या जवाब हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।